हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिल्पी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज मैं जिस वीडियो पे करने वाली हूँ रिएक्ट, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो है क्यों बोलते हैं जय भीम। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन तक अगर ये वीडियो गई है तो चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैंने दो तीन वीडियो और भी बनाई हैं जय भीम पर, तो उनको भी जाकर देखें और आनंद उठाएं। इसी के साथ में जो टाइटल है मेरा, क्यों बोलते हैं जय भीम, बाय दिव्य विकास दिव्यकीर्ति जी की, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आजादी के बाद ऐसा लगा कि दलितों को महत्व मिलना शुरू होगा, उनको भी समझ में आ गया, अम्बेडकर बाबू जिंदाबाद, जय भीम होना शुरू हो गया। ये बार जय श्री राम, वर्चम जय श्री राम, जय भीम। बोले ये कौन सा भीम बीच में आ गया। कुछ दिन तो खुश रहे कि मतलब महाभारत वाले भीम की बात चल रही है शायद, तब पता लगा भीम और हिडिंबा की बात नहीं चल रही है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात चल रही है। और जय श्री राम वालों को जय भीम से बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये नहीं चलेगा। तो मजे की बात है कि जय श्री राम का समर्थन करने वाले कहीं ना कहीं सवर्णवाद का भी समर्थन करते हैं, इसलिए उनको अपने ही धर्म के वंचित वर्ग के ऊपर उठने से पेट में खलबली मचती है। इधर जय भीम शुरू हो गया, गांव गांव में शोर मचने लगा कि अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, जमीन पर हक चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। ऊपर से संविधान लागू हो गया, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 आ गया। 17 में साफ साफ लिख दिया था अब अस्पृश्यता नहीं है। अब परंपरागत प्रभु वर्ग को लगा कि ये तो बड़ी खराब किताब आ गई संविधान नाम की, और इन लोगों ने पढ़ ली है। पुलिस पुलिस में चले जाते हैं। 1955 में सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद वो सिविल राइट्स एक्ट पास हो गया, जिससे और शक्तियां मिली। अब धीरे धीरे प्रभु वर्ग को लगा कि भैया ये लोग बहुत उछल रहे हैं, इनको ठीक करना जरूरी है। हिंदी के सबसे महान कवि तुलसीदास जी कह गए हैं, शुक्ल जी थोड़ा खोपड़ी से ना ब्राह्मणवादी टाइप के हैं, आज होते तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होते शुक्ल जी, सच में होते। अगर होते ना, आप उनकी पूरी अप्रोच समझेंगे तो लगता है कि बस अंदर इंदर चल रहा है कार्यक्रम। तो कह गए हैं उनके प्रिय कवि तुलसीदास जी। वो तुलसीदास को देखकर अपनी समीक्षा तय करते हैं या समीक्षा से तुलसीदास को तय करते, समझ नहीं आता। तुलसी जैसा लिखते हैं बोलते यही आदर्श तरीका है बस। और तुलसीदास ने कलयुग, तुलसीदास बहुत अच्छे कवि हैं, पर महान से महान व्यक्ति में भी कुछ कमियां होती हैं, महान से महान प्रतिभा में भी कुछ छेद रह जाते हैं। वो तो सच बात है, हर व्यक्ति अपने युग की सीमाओं से बंधा होता है, अपने युग से बहुत आगे नहीं निकल पाता, कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। तो तुलसीदास ने एक दोहे में कहा है कि कलयुग आ गया साक्षात क्यों, बाद ही शूद्र द्विजन सन हम तुम हते कछु घाटी, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख देखा वही डांटी। कवितावली में है, शूद्र लोग ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि क्या हम तुमसे कम हैं, हम भी ब्रह्म को जानते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, और आंख दिखाकर डांट देते हैं ब्राह्मणों को, इससे बड़ा कलयुग क्या होगा। शूद्र ब्राह्मण को डांट रहा है, तुलसीदास के अंदर का ब्राह्मण उबल रहा है, ये कैसे हो गया। बहुत फनी टाइप से बताया उन्होंने, मतलब कि अपनी बात भी रखी और लोगों को सुनने में अच्छा भी लगे, ताकि लोगों को बुरा भी ना लगे, क्योंकि मतलब जो कहते हैं ना कि ऊंची कास्ट के लोग होते हैं उनको भी बुरा ना लगे, क्योंकि ऐसा होता है ना। मैं वैसे इस चीज़ पे मैं भी बहुत इन सब चीज़ों को मतलब मुझे भी बहुत घिन सी लगती है, एक कि एक ही मतलब कहते हैं ना ऊपर वाले ने सबको इक्वल बनाया, और लेकिन यहाँ पर आके लोगों ने उसको भी डिवाइड कर दिया कि तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम मेरे घर का खाना नहीं खा सकते, मैं तुम्हारे घर का पानी नहीं पी सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान लागू किया, उससे कई लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और हम सब लोग उनमें से एक हैं कि हम सबको आज जो अधिकार मिल रहा है, किसी ज़माने में ये अधिकार नहीं था। तो अगर उनकी वजह से हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है, तो जय भीम बोलने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमारे घर के गार्जियन भी होते हैं, हमें कोई ऐसी चीज़ देते हैं जो हमारे सालों साल हमारी सोचे, हमारी औलादे भी, उनकी औलादे भी, उनकी औलादे भी, जब
ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ये आगे भी चलती रहेंगी। तो ऐसी चीज़ दे रहा है इंसान, तो फिर उसकी जय बोलने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बोल सकते यार हम। तो जय भीम उन सभी लोगों को जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और जिनको अगर ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल कर लीजिएगा, और मैं ऐसी और वीडियोज़ लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। और तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, देन टेक केयर एंड बाय।